जी को गाली दिलवाता है। योगी जी को गाली दिलवाते हो है? दलाली नहीं चल पा रही है, इसकी दलाली नहीं चल पा रही है, इसकी दलाली नहीं चल पा रही है, तो योगी जी को गाली दिलवा रहा है चमचों से। दलाल का, दलालों का बोलबाला हो गया है। ऐसे ऐसे विधायक सांसद रहेंगे तो ऐसा ही होगा। प्रधानमंत्री जी के हमको, हम लोग खुद सपोर्टर हैं, वक्त हो गया है तो मैं तो पहले से ही मोदी जी का बात, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं कि मैं सबके लिए खड़ा हो जाऊँगा, मैं राजपूत हूँ और राजपूत के लिए खड़ा हूँ। होने के साथ साथ इससे पहले वो अजय सिंह बिष्ट भी रहे हैं, राजपूत भी रहे हैं, राजपूत घर में पैदा हुए। हमने तो इन लोगों की बहुत लाठियाँ देखी है, मैंने नहीं देखा कि इनकी माँ ने कभी दूध पिलाया हो जो सामने आ खड़े होकर लाठी चला रहे। लेकिन एक सीधे साधे समाज सेवी होने के नाते, अकेला होने के नाते इन लोगों ने जो ये दुर्व्यवहार किया है, मैं कहता हूं कभी अगर माँ ने दूध पिलाया तो आके हम लोग सामने लाठी चला के देखें, उनका जवाब देने के लिए हम तो तैयार हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। वंचित वर्ग के हितों के लिए काम करने वाले तमाम सारे जागरूक संगठन इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि पिछड़े और दलित समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में विधायक सांसद और मंत्री तो हैं लेकिन सत्ता में शामिल नहीं है। अब आप कहेंगे यह भी अजीब बात है, उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कोई नेता, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, दलित हो या अल्पसंख्यक हो, वो सत्ता में कैसे नहीं है, ये मैं आपको साबित करके बताऊंगा। क्योंकि आगे जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो कहानी नहीं हकीकत है। आजमगढ़ से सटा हुआ एक जिला है मऊ, वहां ये घटित हुई है। अभी जो वीडियो आप देख रहे थे उस वीडियो में जिस शख्स को जूतों से पीटा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, वन एवं पर्यावरण जैसा मंत्रालय उनको मिला हुआ है। नाम है दारा सिंह चौहान, पिछड़े वर्ग की नोनिया जाति से आते हैं, मऊ जनपद की ही मधुवन विधानसभा से विधायक भी हैं। एक कैबिनेट मंत्री को जूतों से पीटने वाला शख्स खुलेआम न सिर्फ बाहर घूम रहा है बल्कि घूम घूम करके लोगों को धमकियां भी दे रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि कैबिनेट मंत्री तो हैं दारा सिंह चौहान लेकिन पावर शेयरिंग में, सत्ता की हनक और धमक में उनका क्या रोल है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस घटना के घटने के बाद भी उनका कोई बयान सामने नहीं आया था। अब मैं दूसरे पहलू पर पहुंचता हूं। जो शख्स कैबिनेट मंत्री के होर्डिंग पर उनके ही गृह जिले में जूते बरसा रहा था उसका नाम है कुंवर देवेंद्र सिंह परिहार, करणी सेना का जिलाध्यक्ष अपने आप को बताता है। वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं है लेकिन सत्ता की हनक और धमक बरकरार है। जरा उसके मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनिए। ये दारा चौहान है, मधुबन का विधायक है, इसकी दलाली नहीं चल पा रही है तो महाराज जी को और राजपूतों को गाली दिलवाता है अपने चमचों से। आखिर आप भी उसी पार्टी से रिलेटेड है? पार्टी से नहीं है, मैं करणी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। वो हिंदुत्व की बात करती है पार्टी, इसके लिए मैं बीजेपी के साथ रहता हूँ। जो भी हिंदुत्व की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है इसके लिए हम लोग रहते हैं। तो दलालों को, जिसको मर्जी उसको पार्टी विधायक बना के दलालों को भेज देगी तो क्या हम लोग उसको पसंद करेंगे? क्या नहीं करेंगे? ये शख्स कैबिनेट मंत्री के पोस्टर को न सिर्फ जूतों से पीट रहा है बल्कि खुलेआम दलाल शब्द से संबोधित भी कर रहा है और इस सब को सही साबित करने के लिए बताने की कोशिश कर रहा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हिंदुत्व की वजह से पसंद करता है। अभी बयान में आपने सुना किस तरीके से हिंदुत्व का आवरण ओढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनों का काम
एक या ज्यादा से ज्यादा दो जातियों का वर्चस्व स्थापित करना है। इस बात को साबित करने के लिए मैं इसी शख्स का यानी कि कुंवर देवेंद्र सिंह परिहार का आगे बयान आपको सुनाता हूं। मैं कर्णी सेना का जिला अध्यक्ष हूं। जी वो हिंदुत्व की बात करती है पार्टी, इसके लिए मैं बीजेपी के साथ रहता हूं। जी जी, जो भी हिंदुत्व की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। इसको योगी आदित्यनाथ जी महाराज महात्मा होने के साथ साथ इससे पहले वो अजय सिंह बिष्ट भी रहे हैं, राजपूत भी रहे हैं, राजपूत घर में पैदा हुए हैं, वो महात्मा बन गए तो उनका कोई नहीं है? ऐसा लावारिस तो है नहीं महाराज जी। मैं कोई नेता तो हूँ नहीं कि मैं सबके लिए खड़ा हो जाऊँगा। मैं राजपूत हूँ और राजपूत के लिए खड़ा होऊंगा। मतलब वो खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को महाराज बाद में और राजपूत पहले होना बता रहा है। अब कहाँ गया इनका हिंदुत्व, अब छत्रित्व की बात कैसे होने लगी? ये तमाम सारे पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को जो हिंदुत्व की चाशनी में लिपटे रहते हैं इस बात को समझ लेना चाहिए। लेकिन अभी कहीं भागिएगा मत, कहानी अभी शुरू हुई है। यहां तो सिर्फ बात थी पोस्टर को जूतों से पीटने की। जब इस बात का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने जा रहे थे तो वहीं पर उनकी भिड़ंत आमने सामने हो गई करणी सेना के देवेंद्र सिंह परिहार और भारतीय जनता पार्टी के सुजीत कुमार सिंह समेत अन्य नेताओं से। कहा सुनी हुई बात तूक तड़ाक पे आई और चूंकि सत्ता की हनक थी बिना बीजेपी में शामिल हुए तो करणी सेना के जिलाध्यक्ष वहीं सरेआम कलेक्ट्रेट में ही पुलिस के सामने उनको पीट दिए। हमने कहा भाई समाज हमको भाजपा को वोट दिया और भाजपा के लोग ही उनको जूते से मार रहे हैं तो समाज समझे। और ये कह रहे हैं कि हमको जो है गाली रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं कहा। हमने तो ये कहा है कि समाज को इस तरह से, समाज में रहने वाला व्यक्ति इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। आप किस पद में हैं? मैं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग। आपको क्यों पीटा गया है? हमको केवल यही कहा गया है कि भाई ये संवैधानिक आप विरोध करिए, किसी को वीडियो जारी करके किसी समाज को जूता मत मारे मारिए। वो अभी वीडियो जारी हुआ, हम लोगों ने वीडियो देखा है दारा चौहान को। ये वीडियो ठीक है, दीक्षित अगर गलत काम किए हैं तो दीक्षित को सजा दीजिए। वो भी अगर गलत करते हैं तो उनको पार्टी से शिकायत करिए। लेकिन आप खुले आम समाज के बीच में जूता मारना अच्छी बात नहीं है। आपके साथ हिंसा हुई, क्या करेंगे इसका? आपके साथ हम आने वाले समाज को इकट्ठा करके इस पर हम विचार करेंगे, निर्णय लेंगे, आगे जो कार्रवाई होगी करेंगे। समर्थक में आप थे? नहीं, हम समाज के समर्थक में, चौहान समाज के। खुलेआम गुंडई करने के बाद भी सत्ता की हनक और धमक ये होती है कि वीडियो वायरल हुआ तो होता रहे, लेकिन देवेंद्र सिंह परिहार अपने साथियों के साथ लोगों को धमकाने में, अपनी गुंडई दिखाने में लगा रहा। चौहान समाज को प्रदर्शन करना पड़ा, विरोध करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रमाकांत यादव को, राम गोविंद चौधरी को, संग्राम सिंह यादव समेत तमाम सारे नेताओं को वहां पहुंच करके समर्थन में बयान देना पड़ा। इन सब के बाद भी उसकी गिरफ्तारी होती है बड़े हास्यास्पद ढंग से, और गिरफ्तारी होने के बाद एक घंटे में वो छूट भी जाता है। गिरफ्तारी होते समय जो नाटकीय घटनाक्रम था जरा वो देख लीजिए। अभी तो अब कोतवाल साहब हमको ही ले जा रहे हैं, इतने लोगों को आज के विरोध में पूरा चौहान समाज एकत्रित हो रहा है, कैसे देख रहे हैं उसे? मेरे भी पूरे, मैं तो अभी किसी समाज के बारे में नहीं बोला हूँ, लेकिन हमारा भी पूरा पूरा राजपूत समाज हमारे साथ है, पूरा राजपूत, पूरा राजपूत।
दूध बंद हमारे साथ है उसके साथ पूरा चाहो। और योगी जी के लिए योगी जी को कोई भी गाली देगा उसके लिए यही होगा उसके साथ। इतना सब घटनाक्रम होने के बाद विपक्ष के नेता के मऊ पहुंचने के बाद चौहान समाज के तमाम सारे नेताओं के लामबंद और धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी देवेंद्र सिंह परिहार इस समय जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, ना ही उसका शस्त्र निरस्त किया गया है, बल्कि दबाव इतना जरूर पड़ा है समाज के नेताओं का कि देवेंद्र सिंह परिहार के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई कर दी गई है। मामला केवल पिछड़े वर्ग के एकमात्र नेता यानी कि दारा सिंह चौहान का ही नहीं है। वहीं मऊ में एक विधानसभा है घोसी, वहां से विधायक हैं विजय राजभर, वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक हैं। उनके बारे में भी क्या राय रखते हैं देवेंद्र सिंह परिहार, जरा सुन लीजिए। और विजय राजभर की क्या बात करेंगे, विजय राजभर तो अभी 10 साल पहले बसपा में थे, मुख्तार के साथ घूमते थे 10 साल पहले जब बसपा में थे, तो उस समय मुख्तार भी बसपा में थे, तो मुख्तार के लिए वोट मांगते थे। अभी विधायक हो गए तो बीजेपी के हो गए, और हम लोग विधायक नहीं है तो हम लोग बीजेपी के नहीं है। अच्छा, वो पार्टी का नाम कर रहे हैं ना, दलाली करके खूब पैसा कमा रहे हैं, 5 तल्ली बिल्डिंग बनवा दी है कई साल में है? कहानी जरा लंबी है, लेकिन मैंने आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े और दलित समाज के नेताओं का विधायक सांसद मंत्री होना अलग बात है, सत्ता की हनक होना और सत्ता में शामिल होना अलग बात है। तकरीबन पिछले साल मैंने एक वीडियो आपके सामने लाया था, मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में ही विक्रम सैनी, शायद वो भूल गए थे कि उन्होंने पिछड़ी जाति में जन्म लिया है। विधायक जी पर एक शख्स ने, एक सामान्य से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पंडित हरिस्वरूप शर्मा ने रिवाल्वर तान दी थी। विधायक जी ने ऐतराज जताया था, थाने में FIR भी करवाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक पंडित शिरोमणि डिप्टी CM के कहने के बाद उनको झुकना पड़ा था और उनको समझौता करना पड़ा था। ऐसे तमाम सारे मामले सामने आते रहते हैं, किसी नेता का नाम लेना ठीक नहीं है, हकीकत यही है। ये घटनाक्रम चीख चीख कर भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े और दलित नेताओं की स्थिति बताने के लिए काफी है। एक तरफ पिछड़े समाज से आने वाले कैबिनेट मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का ना नेता है ना कार्यकर्ता है, बस उसको ताकत मिलती है तो इस शब्द से कि वो करणी सेना का यानी कि राजपूत बिरादरी के लिए काम करने वाली एक सेना का जिला अध्यक्ष है और CM का सजाती है। इन तमाम सारे मामलों पर आजमगढ़ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव का क्या कहना है, वो भी आप सुन लीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में जिन गरीबों ने, पिछड़ी जातियों ने भटक करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, दलित भाइयों ने जो वोट दिया था, वो निश्चित रूप से 2022 में इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से बदला लेंगे, इनकी लाठियों का जवाब हम लोग देने का काम कर लेंगे, वोट के माध्यम से इनका जवाब देने का काम हमारा बैकवर्ड, हमारा दलित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा लगता है कि घटना के पीछे वर्चस्व और दूसरे सामने वाले की हैसियत बताने की कोशिश की गई है। देखिए, ये 500 साल पहले का भारत बनाना चाहते हैं ये लोग, कि जैसे पहले ये था कि गांव में जमींदार लोग हुआ करते थे और संदेशा कहलवा देते थे, सभी लोग बीबी बच्चे सभी पुरुष बूढ़े जवान सब आते थे, नहीं आते थे तो कोड़े पड़ते थे। उसी दिशा में हमारे देश को ले जाना चाह रहे हैं और शिक्षा से वंचित भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके लोगों ने जो RSS के पहले के लोग हैं, मैंने किताब में पढ़ा है, गोरवरकर जी ने लिखा है, जब तक इस देश के अंदर ये देश 4-5 पूंजीपतियों के हाथ में नहीं होगा, जब तक इस देश में गरीब शिक्षा से वंचित नहीं होगा, जब तक मजदूरों की संख्या नहीं बढ़ेगी, जब तक गरीबी नहीं बढ़ेगी, तब तक इस देश पर राज नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले इनको अशिक्षित बनाओ, बेरोजगार बनाओ, मजदूर बनाओ, तब उसके बाद इनके ऊपर आप राज कर सकते हो, यही मानसिकता लेके चल रहे। हमने तो इन लोगों की बहुत लाठियां देखी है, मैंने नहीं देखा कि इनकी माँ ने कभी दूध पिलाया हो जो सामने आग खड़े होकर लाठी चला रहे।
लेकिन एक सीधे साधे समाज सेवी होने के नाते, अकेला होने के नाते इन लोगों ने जो ये दुर्व्यवहार किया है, मैं कहता हूँ कभी अगर माँ ने दूध पिलाया तो आके हम लोग सामने लाठी चला के देखें, उनका जवाब देने के लिए हम तो तैयार हैं। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।